है वेलकम गाइस, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चाय पीने पुणे के फेमस प्लेस पे। तो आज आपको दिखाते हैं तंदूर चाय और वहाँ पुणे का बन मस्का, सबसे फेमस बन मस्का। तो आज मैं हूँ अपने फ्रेंड के साथ, ये है निशी। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? तंदूर चाय आर्चिलिंग प्लेस। तो तेरे को चाय अच्छी लगती है? I'm a chai person. तो सो टुडे वी आर गोइंग टू द तंदूर चाय। हैव यू एवर विजिट द तंदूर चाय? ऑलवेज। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जब से मैं पुणे आई हूँ, दिस इज माय फेवरेट प्लेस। और क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो इट्स अ चिलिंग प्लेस और हम हमेशा यहाँ पे आते हैं चाय और बन मस्का। ओके गाइस, तो आज हम जा रहे हैं तंदूर चाय। तो मिलते हैं फिर आपको तंदूर चाय पे और वहाँ का रिव्यू देते हुए। बन मस्का एंड तंदूर चाय मेक माय मंडे परफेक्ट। तो गाइस, आज आपको दिखाते हैं तंदूर चाय और बन मस्का और इसका रिव्यू देंगे कि यहाँ पे कैसा बन मस्का मिलता है। पुणे आए और बन मस्का नहीं खाया तो खाया तो क्या खाया? हे गाइस, व्हाट्स अप? आज मैं विपिन के चैनल पर आई हूँ क्योंकि हम लोग तंदूर चाय प्लेस पर है। एंड यू नो व्हाट, माय फेवरेट थिंग ऑफ महाराष्ट्र, सो बन मस्का एंड तंदूर चाय, आई जस्ट लव इट। यू नो व्हाट, बन मस्का और तंदूर चाय का कॉम्बिनेशन इतना डेडली कॉम्बिनेशन है ना। यू नो व्हाट, जब भी कोई चिलिंग वाला टाइम होता है ना, तो आई प्रेफर दिस प्लेस। यू नो, इट्स अ वेरी कूल प्लेस और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट। And the best thing is about this bun maska. It's too fluffy and it's too soft. I can't wait to have it. I'm a chai person and this is my favorite place. तो गाइस, आज हम पीने आए हैं चाय, वो भी तंदूर चाय पे। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ। लोकेशन है ये पुणे खराड़ी। खराड़ी यहाँ पे एक जगह है और इसकी जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूँगा। और आपको वैसे बता देता हूँ, जेएनसीआर कंपनी के पास में तंदूर चाय, टेक्सास टावर के जस्ट साइड में। तो काफ़ी फेमस प्लेस है, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पर ढूंढने में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आए क्यों हैं। तो यहाँ की चाय और बन मस्का बहुत फेमस है। चाय तो यहाँ पे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन तंदूर चाय अगर आपको पीनी है तो आपको सिर्फ आना होगा खराड़ी पुणे और तंदूर चाय, एक ही प्लेस। तो बात करते हैं कि बन मस्का की। तो यहाँ का जो बन मस्का है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर मैं बन मस्का का आपको दिखाता हूँ, तो ये फ्लफीनेस जो है आपको सिर्फ पुणे के अंदर मिलेगी।
क्योंकि महाराष्ट्र और पुणे के जो बनमस्का हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप दिल्ली में हो या फिर अगर आप और किसी भी सिटी में हो, अगर वहाँ के आप बनमस्का लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइट दिखाई देंगे। ये जो फ्लफीनेस है ना, ये जितने सॉफ्ट है, ये सिर्फ आपको पुणे के अंदर मिलने वाला है। एक्चुअली जो बनमस्का है ना, इसके अंदर इन्होंने बटर लगाया है। तो गाइस अब बात करते हैं बनमस्का की टेस्ट की, तो बताते हैं आपको। ओए होए, कुल्लड़ की जो महक है ना बनाते टाइम, जब इसको गर्म करता है तो उसकी जो महक होती है मिट्टी वाली, वो चाय के अंदर पूरी तरह घुल चुकी है। उसके बाद अगर आप सिप लेते हो तो जो मिट्टी की एसेंस है वो पूरी तरह चाय में घुली हुई है, और आपको बेहतरीन वाला मज़ा आने वाला है अगर आप यहाँ पे तंदूर चाय पीते हो।